इंडियन टीवी न्यूज, देश का तेजी से बढ़ता न्यूज नेटवर्क। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडियन टीवी न्यूज। आइए आपको ले चलते हैं आज की बड़ी खबर पर। रविवार को खंडवा जिले की चारों विधानसभा क्षेत्रों की मतगणना संपन्न हुई। इससे पहले प्रेक्षकों की उपस्थिति में स्ट्रांग रूम खोला गया है। डाक मतपत्रों की गिनती प्रातः 8 बजे से प्रारंभ हुई। प्रातः 8:30 बजे से कंट्रोल यूनिट से मतों की गिनती प्रारंभ की गई। विधानसभावार अभ्यर्थियों को डाक मतपत्र एवं कंट्रोल यूनिट से प्राप्त मतों का विवरण निम्नानुसार है। खंडवा विधानसभा क्षेत्र श्रीमती कंचन मुकेश तनवे भाजपा 1,09,067, श्री कुंदन मालवी INC 71,018, श्री संदीप अटूट बहुजन समाज पार्टी 1,107, श्री नरेंद्र नागरे आजाद समाज पार्टी 496, श्री लक्ष्मी नारायण कटारे ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक 236, श्री प्रकाश ताराचंद एकले निर्दलीय 475, नोटा 1,876। हरसूद विधानसभा क्षेत्र में श्री कुंवर विजय शाह भारतीय जनता पार्टी को 1,16,580, श्री सुखराम सालवे INC 56,584, श्री विजय सिंह उइके बहुजन समाज पार्टी 2,192, श्रीमती बिंदियाबाई गोपीचंद पटेल निर्दलीय 1,717, श्री महेंद्र कुमार कालूराम बड़ई निर्दलीय 1,250, नोटा 3,061। पंधाना विधानसभा क्षेत्र में श्रीमती छाया मोरे भारतीय जनता पार्टी को 1,23,332, रूपाली नंदुबारे INC 94,516, श्री मनोज सोलंकी बहुजन समाज पार्टी 1,744, छाया मोरे निर्दलीय 1,821, ममता मोरे निर्दलीय 1,149, नोटा 2,590। मांधाता विधानसभा क्षेत्र में श्री उत्तम राज नारायण सिंह पुरनी INC 80,291, श्री नारायण पटेल भारतीय जनता पार्टी को 80,880, श्री शंकर सिंह पिता दरियाव सिंह गुर्जर बहुजन समाज पार्टी को 995, श्री गोपीचंद पटेल बंजारा इंडियन पीपुल्स अधिकार को 205, श्री डायमंड खान आम भारतीय पार्टी 285, श्री कैलाश पटेल बंजारा निर्दलीय 117, प्रदीप कुमार ठाकुर निर्दलीय 158, प्रोफेसर मणिशंकर डोंगरे निर्दलीय 150, श्री राजेश पवार बंजारा निर्दलीय को 138, आदिवासी राहुल चंदेल निर्दलीय को 2,908, शुभम सिसोदिया निर्दलीय 383, श्री संजीव नायक निर्दलीय को 659 और नोटा 1,554। लगभग 60,000 से जीत हुई है और खंडवा जिले के इतिहास में और मध्य प्रदेश के किसी भी आदिवासी जननेता के इतिहास में पहली बात तो 60,000 से ज़्यादा कोई जीता नहीं और इसके आसपास भी नहीं जीता, लगातार कोई आदिवासी 8 बार भी नहीं जीता। मैं जनता का शुक्रगुजार हूँ कि जिन्होंने मुझे विगत 34 सालों से सर माथे पर बैठाकर प्रजातंत्र के मंदिर में पहुँचाया और 8वीं बार ये जीत परसों की विजय गरीब मतदाताओं को समर्पित है। वहीं दूसरी ओर हमारे पार्टी के मुख्यमंत्री जी और हमारे प्रधानमंत्री जी और पार्टी के वर्कर्स जिन्होंने रात दिन मेहनत करी और साथ ही अगर मेरी श्रीमती जी मेरी बहू और बेटे का अगर मैं नाम नहीं लूँगा तो उनके साथ अन्याय नहीं होगा। उन लोगों ने भी लगातार 7 दिन में से 4 दिन वो लोग जनता के बीच रहते हैं। ये 60,000 की जीत उस चीज़ का द्योतक है, नतीजा है कि आज भी विदेशा हरसूद की दिलों में बसते हैं। इसी तरह देश दुनिया की हर खबर को जानने के लिए देखते रहिए इंडियन टीवी न्यूज। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद, फिर मिलते हैं अगली खबर के साथ। इंडियन टीवी न्यूज, देश का तेजी से बढ़ता न्यूज नेटवर्क।